बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? एचसीएफ, वो फैक्टर जो कॉमन भी हो और हाईएस्ट भी हो, तो उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन ऑर्डर HCF of two or more polynomial is a polynomial of the highest degree। वो कॉमन फैक्टर जिसका डिग्री हाईएस्ट हो तो उसको हम HCF कहते हैं। देयर आर टू मेथड बाई विच वी कैन फाइंड दी HCF। वन इज HCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा है HCF बाय डिवीजन मेथड। HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हम जो गिवन एक्सप्रेशन उसको पहले फैक्टराइज करते हैं, फिर जो कॉमन फैक्टर होता है इसको हम निकालते हैं, और इसमें जब जो भी फैक्टर हाईएस्ट होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी है। तो HCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड, पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, फिर इसको करेंगे, इसके बाद हम HCF फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हमने फैक्टराइज किया। अब दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो इसमें एक्स कॉमन है, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। अब HCF इज इक्वल टू, देखिए HCF फैक्टर मीन ये हमने फैक्टर बनाए हैं। अब कॉमन कौन से है? तो एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। हाईएस्ट कौन सा है? तो इसमें दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एक्स माइनस वाई हमारे पास HCF है। तो ये HCF बाय फैक्टराइजेशन हमने फाइंड किया। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो पहले इसको फैक्टराइज करें, इसके बाद जो भी कॉमन फैक्टर हो उसको निकाले, वो हमारे पास HCF होगा। ओके, अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्स प्लस सिक्स होल स्क्वायर एंड 30 एक्स माइनस स्क्वायर माइनस 36। फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, इसका हम HCF फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड में हम जो भी एक्सप्रेशन गिवन हो उसको हम पहले फैक्टराइज करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। x प्लस सिक्स होल स्क्वायर, इसका फैक्टर क्या होगा? x प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स, तो ये हमने फैक्टराइज किया x प्लस सिक्स। x प्लस सिक्स हमारे पास दो फैक्टर है, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। x स्क्वायर माइनस 36, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे,
तो हम इसको बी स्क्वायर पावर में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर। यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स माइनस सिक्स। सेकेंड एक्सप्रेशन को हमने भी फैक्टराइज किया, अब इसका एच सी एफ क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट और टू में कौन से फैक्टर कॉमन है? एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस सिक्स ये कॉमन है, तो इसमें से हम एक लेंगे एक्स प्लस सिक्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एच सी एफ हमने पॉइंट किया एक्स प्लस सिक्स। और क्वेश्चन है एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, ये हमारे पास थ्री एक्सप्रेशन है, इसका हम एच सी एफ पॉइंट करेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो x माइनस थ्री का फैक्टराइजेशन क्या होगा? x माइनस थ्री, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हुआ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन x माइनस थ्री होल स्क्वायर। तो x माइनस थ्री होल स्क्वायर का फैक्टराइजेशन क्या होगा? x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, ये थर्ड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री एच सी एफ इज इक्वल टू, देखिए x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, तो ऑल थ्री इक्वेशन में x माइनस थ्री कॉमन है, तो ये हमारे पास एच सी एफ है x माइनस थ्री। टू एंड फोर आपका होमवर्क है, आप खुद इसको घर में सॉल्व करें।